पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ये जो 24 नवंबर को प्रातःकाल में जो सर्वे हुआ था, सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी जिसमें चार अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी चार लोगों की, उसके बाद में SIT गठित की गई और SIT की टीम द्वारा जब जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू किया गया है, उसमें उनके द्वारा जो विवेचक हैं मिस्टर अमित, इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था फॉरेंसिक टीम के लिए, और फॉरेंसिक टीम और लाइन से HHMD जो मेटल डिटेक्टर है उसके माध्यम से जब आज और नगरपालिका की टीम के द्वारा जो इसमें आज सर्च किया गया है, तो आज काफ़ी चौंकाने वाली एक चीज़ सामने आई है जिसमें एक POF 9mm 68-26 लिखा हुआ एक फायर्ड केस मिला है, जो मतलब खोखा जिसको कहते हैं वो मिला है। एक FN स्टार बना हुआ एक फायर्ड नहीं कहेंगे उसको, मिस फायर कहेंगे क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइकर का निशान है, लेकिन शायद लगता है कॉक करते समय उसने निकाला है और वो फायर नहीं हुआ है, तो दूसरा राउंड फायर करने के लिए शायद उसको यूज़ किया गया हो उसके द्वारा, जो भी व्यक्ति जिसने भी उसको यूज़ किया है। एक 12 बोर का डायमीटर का ये एक लाल रंग का जिसके पैंदे पे लिखा है विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर, और बाकी जो पठनीय हैं इस तरीके की चीज़ है। एक और है जिसके पैंदे पे लिखा है स्पेशल 12 के, जो कि आगे का भी इसमें स्पष्ट है। एक पे KF-32SWL करके इस तरीके के, तो इस तरीके के कुल 6 फायर्ड केस या फिर मिस फायर वाले कार्टिजेज आज इनको फॉरेंसिक टीम में चेकिंग के दौरान HHMD के साथ में मिले हैं, जिसमें नगर निगम की भी टीम जो है वो मौजूद थी, आप में से कुछ मीडिया बंधु भी हैं वो भी शायद मौजूद थे, और इन सब के बीच में एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं। जो POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और इसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो CCTV फुटेजेज हैं, स्पेशली ये जो जिम है जिसका CCTV फुटेज इन लोगों द्वारा बहुत जल्दी तोड़ दिया गया था, बाद में इसकी DVR भी रिकवर की गई है, लेकिन DVR में भीड़ के इकट्ठे होने तक की ही DVR है, और भी CCTV है उनको भी हम खंगालेंगे ज़रूर। जिन लोगों के द्वारा इस चीज़ का जो है घटना कारित की गई है, और जिन लोगों द्वारा इन कारतूसों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हमारे 29 पुलिस वाले जिनको चोट लगी है विभिन्न प्रकार की, और 4 जो लोग हैं उनकी डेथ हुई जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, और एक को गोली लगी जो कि उसका मुरादाबाद में ट्रीटमेंट हुआ था उसको जेल भेजा गया है, उसके जब इलाज किया गया उसमें 315 बोर का जो फायर्ड बुलेट है वो भी निकली है, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, SIT बना के इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इसमें जो लोग इस घटना के पीछे हैं इस तरीके उन सबका पर्दाफाश किया जाएगा। USA मेड भी सर एक खोखा बरामद हुआ है इसमें? हाँ, इसमें बता रहे हैं कि लाल रंग का 12 बोर का विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर लिखा है, ये फॉरेंसिक टीम द्वारा भी शायद सील किया जाएगा। ये दोपहर में इसको शुरू किया गया था, नालों की सफाई की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है कि अंधेरा हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल सुबह से वापस नगर निगम की टीम को रिक्वेस्ट करिए, नगर निगम की टीम द्वारा दोबारा से इसमें हमारी मदद की जाएगी, और HHMD और DFMD HHMD के साथ में चेकिंग की जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब चीज़ें हैं सच जो है वो सामने निकल के आएगा। ठीक है।